So hello, welcome back. Let's move towards the next set of graphs where we study tangent graph, secant, cosecant, cotangent, right? इनको हम study करेंगे. तो y is equal to tan x जब आपके पास ऐसा कोई graph आता है तो किस तरीके से ये behave करेगा, इसका domain क्या है, इसका range क्या है, इसकी periodicity कितनी है, और अगर इसमें कुछ slight variations होंगे, ये tan 3x प्लस पाई बाई सिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, टेन थ्री एक्स माइनस पाई बाई सिक्स होगा तो क्या होगा. ये सारी बातें हम एक एक चीज़ को माइन्यूटली स्टडी और समझना चाहते हैं. ठीक है, आइए देखते हैं. पहले सिंपल वाला समझते हैं. तो टेन एक्स की वैल्यूज़ तुम्हें ध्यान होंगी, राइट? टेन एक्स की वैल्यूज़ तुम्हें ध्यान होंगी. टेन एक्स की वैल्यूज़ क्या थी भाई? टेन एक्स जीरो पे तो ज़ीरो था, है ना? और पाई बाई टू पे जाते जाते क्या हो जाता था? इन्फिनिटी की तरफ भाग जाता था. याद है? याद होना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़ते जाओ और पीछे भूलते जाओ, राइट? दैट शुड नॉट हैपन, दैट शुड नॉट हैपन. ओके, तो तुम हमेशा देखोगे किसी भी बुक में जब टैन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो ये लाइंस इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, इन लाइंस को ड्रॉ कर देते हैं. ये लाइन कौन सी है? दिस इज द लाइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू. एनी लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म व्हाट? एक्स इज इक्वल टू के. ठीक है, and any line which is parallel to x-axis, uski equation kaisi hoti hai? Y is equal to k. Dhyan rakhna. What is the equation of x-axis? That is y is equal to 0. What is the equation of x-axis? That is x is equal to 0. Theek hai? Equation of y-axis is x is equal to 0. Basic baatein hain. Mujhe umeed hai tum is baat ko jante hoge. Nahi jante the to likh lena. Ye sab basic baatein hain. Coordinate geometry jab tumne padhna shuru kiya hoga chote class mein, to ye sab baatein tumhe zarur se batayi gayi hongi. Okay. Y is equal to tan x. 0 pe kitna hai? 0 hai. Pi by 6 पे, यानी कि 3 डिग्री पे कितना था? इट वाज 1 बाय रूट 3. रूट 3 कितना होता है? अप्रॉक्सिमेटली 0.85, राइट? यहाँ पे कहीं पे इधर कहीं जाएगा. पाई बाय 4 पे 1 हो जाता है. क्या था? ये इंक्रीजिंग फंक्शन था. टेन एक्स कैसा था हमारे पास? इंक्रीजिंग फंक्शन था और बहुत रैपिडली इंक्रीज करता था. कुछ ऐसा होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, लाइक दिस. ये बहुत तेज़ी से बिल्कुल कहाँ किस तरफ की तरफ भागता है? ये इन्फिनिटी की तरफ भागता है. पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी होती है? अनडिफाइंड होती है, राइट? अनडिफाइंड को हम लोग जनरली क्या बोल देते हैं? इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का सिंबल क्या है? 8 को ऐसे पलट के लिख दो, बन गया इन्फिनिटी. समझ रहे हो? अब जब मैं x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू की तरफ जाऊंगा, यानी कि मैं कहाँ चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो हमें पता है कि टेन वहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव होता है. सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब कुछ नेगेटिव होता है. तो ये ठीक इसी तरीके से नेगेटिव की तरफ जाती है. पहले कुछ ऐसी जाती है, राइट? एग्जैक्टली ऐसी जाती है. ध्यान रखना, एक वर्ड यूज होता है, कई बार तुम इसको देखोगे, अलग कलर से लिख देता हूं ताकि तुम इस बात को ध्यान रख सको. एसिम्प्टोट, शायद मैंने पहले तुम्हें बताया होगा, बट जो लोग अभी एक दो दिन से आ रहे हैं शायद उनको नहीं पता होगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे. एसिम्प्टोट, राइट? एसिम्प्टोट क्या मतलब है यार? नाम बड़ा अजीब सा इसका है. अच्छा नाम है, सुनने में बड़ा मजा आता है, एसिम्प्टोट. तो ये एसिम्प्टोट है क्या? एसिम्प्टोट होता है टेंजेंट एट इन्फिनिटी. ठीक है, टेंजेंट तो आप सब लोग जानते हैं, ऑल ऑफ यू नो, सर्कल वाला, टेंजेंट एट इन्फिनिटी. हाँ, सर्कल वाला. एक्चुअली टेंजेंट किसी भी चीज़ पे हो सकता है. तुम लोगों ने पढ़ा सिर्फ सर्कल पे है, बट अभी तुम थोड़े से बड़े हो गए हो तो तुम ये पढ़ोगे कि टेंजेंट सर्कल में भी जैसे होता है वैसे ही पैराबोला में भी होता है, हाइपरबोला में भी होता है, एलिप्स में भी होता है, हर चीज़ में टेंजेंट हो सकता है. टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि उसको टच करती है सिर्फ एक जगह पे, उसको टेंजेंट कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ ये जो y इज इक्वल टू टेन एक्स है, ये भी एक ग्राफ है, ये भी एक कर्व है. ठीक है, तो ये जो x इज इक्वल टू पाई बाई टू है, x इक्वल टू माइनस पाई बाई टू है, ये क्या है? ये टेंजेंट है. बट कहाँ पे ये टच होता है? ये कहाँ पे टच होता है? इन्फिनिटी पे. तो कोई भी टेंजेंट अगर कभी इन्फिनिटी पे टच हो रहा है या फिर माइनस इन्फिनिटी पे टच हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोट बोलते हैं. ठीक है, ये हाइपरबोला भी नहीं है और पैराबोला भी नहीं है, ये तुम्हारा y इज इक्वल टू टेन एक्स है. ठीक है, ये क्या है? y इज इक्वल टू टेन एक्स है. टेन एक्स भी एक कर्व है. ठीक है, एवरीथिंग इन मैथमेटिक्स इज अ कर्व. ठीक है, इवन अ स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व. यहाँ पे भी हम लोग स्ट्रेट लाइन को भी कर्व बोल देते हैं. वाई इज इक्वल टू 3x + 5, राइट? ये क्या होगा ऐसा? ये देयर इज अ लीनियर इक्वेशन, सो सडनली वी विल गेट अ लीनियर कर्व. ठीक है, तो कर्व का मतलब होता है कि एनी थिंग दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन अ रियल प्लेन, दैट इज कॉल्ड अ कर्व. ठीक है, सो वाई इज इक्वल टू टेन एक्स हमारे पास ये फंक्शन है, और एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू और एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई टू क्या तुम्हारे पास? ये एसिम्प्टोट्स हैं, राइट? अगर तुम इसको थोड़ा आगे बढ़ा के चेक करोगे, राइट, व्हेन यू मूव टुवर्ड्स 3π/2, व्हेन यू मूव टुवर्ड्स 3π/2 और यू मूव टुवर्ड्स -3π/2, ठीक है,
ये हमने जीरो से लेकर के इस वैल्यू के बीच में देखा, ठीक है। यहाँ मैं अगर माइनस थ्री पाई बाई टू की तरफ पढ़ता, बीच में हमारे पास कोई वैल्यू आएगी पाई, समझने की बात है, ठीक है। हमारे पास कोई वैल्यू क्या आएगी, पाई, समझने की बात है, माइनस पाई, यहाँ माइनस पाई आएगी कहीं पे। और सडनली जब पॉजिटिव साइड में होंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, प्लस पाई, ठीक है। ये ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा चलता जाएगा, कुछ ऐसा आएगा। लाइन क्यों बना रहा हूँ मैं, शायद तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये किधर एसिम्प्टोट की तरफ बिहेव करेगा, राइट। पाई से लेकर के थ्री पाई बाई टू थर्ड क्वाड्रेंट है मेरे बच्चों, तुम्हें याद दिलाऊं, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट है मतलब टेन क्या है वहाँ पे, पॉजिटिव है, और इधर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, टेन, नेगेटिव है, ठीक। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे देखेंगे माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू, ये भी तुम्हारे पास क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है मेरे बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ भी क्या है, नेगेटिव है। तो क्या तुम इस बात को देख पा रहे हो कि ये वैल्यू एग्जैक्टली रिपीट हो रही है, एग्जैक्टली रिपीट हो रही है, कितने देर के बाद, हर पाई के बाद रिपीट हो रही है। दिस वैल्यू इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर पाई, एंड दैट इज व्हाई, व्हाट इज द पीरियडिसिटी ऑफ टैन एक्स, इसकी पीरियडिसिटी कितनी हो जाती है, इसकी पीरियडिसिटी हमारे पास हो जाती है पाई, पाई के बाद रिपीट हो रहा है। इसका रेंज क्या दिखता है आपको, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इसका रेंज क्या है, वाई कहां से वैरी कर रहा है, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, द रेंज इज व्हाट, ऑल रियल नंबर्स। और अगर मैं डोमेन की बात करूं तो क्या डोमेन में मेरे पास सारे रियल नंबर्स आएंगे क्या, ना। जहां जहां पे हमारी मशीन खराब नहीं होती, फंक्शन मैंने तुम्हें पढ़ाया था, मैंने तुम्हें बताया था, डोमेन हर वो वैल्यू होती है इनपुट की जिसके लिए हमारी मशीन एक वैलिड आउटपुट देती है, जितने भी फंक्शन है वो सब के सब क्या है, मैथमेटिकल मशीन है। तो ये टेन की वैल्यू कहाँ कहाँ पे वैलिड नहीं है, पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे वैलिड नहीं है, यानी मैं क्या बोलूंगा, इधर मैं बोलूंगा आर में से मैं क्या घटाऊंगा, 2n माइनस 1 पाई बाई 2 को मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा। व्हाट अबाउट दिस स्मॉल n, ये स्मॉल n क्या है, दिस स्मॉल n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ओके। तो डोमेन में मेरे पास सारे रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट ऑल द ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ tan, एंड यू शुड हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीरियडिसिटी, रेंज एंड डोमेन। आओ इसका एक छोटा सा एनिमेशन देखते हैं, एग्जैक्टली किस तरीके से ये वैल्यू चलती है, राइट। देखो पाई बाई 4 पे बहुत तेजी से देखो इंक्रीज कर रहा है, राइट, इट इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। पाई बाई 4 पे ये हमारे पास 1 था, पाई बाई 2 पे बहुत तेजी से यहाँ तक चला गया। फिर उसके बाद जब हम पाई बाई 2 से आगे बढ़ते हैं, पाई बाई 2 से तो यहाँ देखो इमीडिएटली नेगेटिव की तरफ भागा, पाई बाई 2 से लेकर के और पाई तक वैल्यू कितनी हमारे पास, नेगेटिव है। और पाई से लेकर के फिर 3 बाई 2 तक फिर से क्या होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गई। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है ये, हालांकि सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन का दिखा रहे हैं, और नेगेटिव का भी देख लो, राइट। टेन एक्स के बारे में आप लोग जानते हैं क्या होता है, ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है, ठीक है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो हम लोग यहाँ पे इसको रिलेट ऐसे भी कर सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, विल गेट टेन एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो देखो यहाँ पे तुम इस बात को देख पाओगे कि पाई बाई 2 पे, चेक करना ध्यान से, पाई बाई 2 पे, राइट, पाई बाई 2 पे ये इन्फिनिटी क्यों होता है, ये वाली बात आपको ज्यादा क्लियरली दिखेगी। यहाँ पे साइन एक्स कितना है तुम्हारे पास, 1, पाई बाई 2 पे इट इज 1, राइट। और तुम्हारे पास कॉस एक्स कितना है, 0, 1 बाई 0 इज वॉट, 1 बाई 0 इज वॉट, दैट इज इन्फिनिटी, एंड दैट इज वाई टेन आपके पास, टेन आपका किस तरफ की तरफ मूव करता है, टेन मूव टुवर्ड्स द इन्फिनिटी लाइन, ठीक है। एंड देयर व्हाट यू गेट इज द कॉल्ड टेंजेंट ग्राफ, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे टेंजेंट ग्राफ को समझ पाते हो, कैसे, हाउ डज इट वर्क, ऑल राइट। क्वेश्चन तो यही आ गया, ओके, आइए देखते हैं सीकेंट क्या होता है। भाई देखो, जो तुम साइन लिखते हो उसको मैंने आज स्पेलिंग में क्या लिखा था, एस आई एन ही लिखा था, ठीक है। बोलचाल की भाषा में हम लोग साइन लिख देते हैं एस आई एन, लेकिन जो पूरा कंप्लीट है वो साइन है। जैसे कॉस को कोसाइन बोलते हैं, टैन को टेंजेंट बोलते हैं, सेक को सीकेंट बोलते हैं, कोसेक को कोसेकेंट बोलते हैं, ठीक है, कॉट को कोटेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। ये सबका एक कंप्लीट नाम है, ओके। एनीवेज, तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि वाई इज इक्वल टू सेक एक्स, जब हम इस वाले ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो आखिर इसका डोमेन कैसा होगा, इसका रेंज क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ये सारी बातें हम लोग सीखना चाहते हैं। और अगर इसमें कुछ वेरिएशन हो जाएं तो वो वेरिएशन कैसे दिखेंगे, हम इसको भी जानना चाहते हैं। ये वेरिएशन कैसे दिखेंगे, हम इसको भी जानना चाहते हैं कि अगर मैं इसमें बोल दूं 5 sec of 7x माइनस पाई बाई 6, तो बताओ भाई इसका ग्राफ कैसा शिफ्ट हो जाएगा, राइट। इसका टेंजेंट, इसका जो हमारे पास पीरियडिसिटी है वो क्या हो जाएगी, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा, हाउ विल इट अफेक्टेड, ठीक है। तो हम इन बातों को समझना चाहते हैं, आइए देखते हैं। देखो जब कोई चीज़ तुम्हें नहीं पता है ना, तो तुम वो याद करो जो तुम्हें पता है। जिस तुम्हें जब मैं सेक एक्स के बारे में जब देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि भाई सेक एक्स तो 1 बाई कॉस एक्स था, ये मुझे याद आता है, शायद तुम्हें भी याद आ गया होगा, ठीक है।
sec x क्या था, 1 by cos x था. तो cos x तुम्हें याद आ रहा होगा, cos x जो हमारे पास वैल्यू थी, देखो मैं जरा बनाने की कोशिश करता हूँ तुम्हारे लिए एक बार फिर से. cos x की वैल्यू जब मैं बनाता हूँ तो मैं तो पहले दो लाइन बना लेता हूँ. ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन है 1 वाली, यानी हमारे पास जो cos x है वो 1 से हमेशा नीचे होगा और माइनस 1 से हमेशा ऊपर होगा. इस वाली बात को हम जानते हैं ना, जानते हैं, अभी हमने देखा भी था, ग्राफ हमने स्टडी किया था, राइट. तो कुछ इस तरीके से चलता है बच्चों, हाउ दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट, दैट इज हाउ इट वर्क्स. ये जो रेड में मैंने बनाया ये कौन सा ग्राफ है, दिस इज वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, जो हमने अभी पढ़ा भी है, सीखा भी है, ठीक है. और वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, ये हमारे पास जो वैल्यू है ये माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में. थोड़ा आराम से रिलैक्स होकर सोचना, मान लो तुम्हारे पास ये कोई वैल्यू है, राइट, ये कोई वैल्यू है, मान लो ये 0.1 है, यहाँ पे तुम्हारे पास x कितना है, छोड़ो 90 के आसपास, 90 थोड़ा छोटा है, इट्स स्लाइटली लेस देन पाई बाई 2. cos x कितना है वहाँ पे, लेट्स से इट इज 0.1. अगर ये 0.1 है तो sec x कितना होगा, सोच के देखो, 1/0.1. अरे बाबा ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, इट इज ऑलमोस्ट 10, माई गॉड, है ना. अगर मैं और छोटी वैल्यू लेता और भी एक बिल्कुल यहाँ चिपकी हुई, राइट, लेट से इट इज 0.001, तो sec x कितना होता, सोच के देखो, माई गॉड इट इज 1000. यानी sec x की वैल्यू तो बहुत ऊपर जा रही है, हैं? अच्छा जब 1 होगा तो 1/1 तो 1 ही होगा, कोई टेंशन नहीं है, है ना. अगर मैं एक यहाँ वैल्यू लूँ, ये वैल्यू कितनी होगी, ऑलमोस्ट 1 से थोड़ी छोटी, कितनी होगी, 0.1, 0.9. तो 1/0.9 अगर मैं लूँ तो sec x कितना होगा, sec x कितना होगा भाई, sec x होगा हमारे पास 10/9, which is certainly greater than 1. I hope you are getting my point. ठीक है, which is certainly greater than 1. तो हमें समझ में आता है कि जो sec x का ग्राफ है, राइट, ध्यान से देखना, ब्लैक से मैं sec x ड्रॉ करूँगा, रेड से मैंने cos x ड्रॉ किया था, ठीक है. sec x का ग्राफ है ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, कैसा है ये, जीरो पे तो ये भी वन है, बिकॉज cos x अगर वन है तो sec x उसका रेसिप्रोकल भी वन होगा, वी अंडरस्टैंड इट. बट जब cos x वन से छोटा होगा तो sec x वन से बड़ा होगा, वी अंडरस्टैंड इट. और जब cos x हमारा जीरो होगा तो समय sec x कितना होगा, 1/0, विच इज इंफिनिटी, दैट इज इंफिनिटी, राइट. तो ये वैल्यू कहाँ, ये तुम्हारे पास ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है बेटा, ये x is equal to pi by 2 है, समझते हो कि नहीं समझते हो. हमारे पास cos x कहाँ पे जीरो होता है, pi by 2 पे जीरो होता है. तो अगेन ये जो x is equal to pi by 2 है, this behaves like what, this behaves like an asymptote. कैसा बिहेव कर रहा है, ये टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहा है. कहाँ पे टेंजेंट है, ये इन्फिनिटी पे टेंजेंट है, it is a tangent at infinity, right. And similarly even this side, fourth quadrant में भी आपको पता है ये कौन सा लाइन है, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2. फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos हमारे पास अगर पॉजिटिव है तो sec भी पॉजिटिव होगा, राइट. अगर 1/0.9 हमारे पास है तो 1/0.9 इधर भी होगा, मतलब जो वैल्यू इधर है सिमेट्रिकल, राइट, एग्जैक्टली सेम वैल्यूज रिपीट हो रही है, राइट, सेम वैल्यूज रिपीट हो रही है, एग्जैक्टली सेम वैल्यूज रिपीट हो रही है, ठीक है, दोनों तरफ, बहुत बढ़िया. इसके आगे क्या चलेगा जरा सोचते हैं ना, जब ये नेगेटिव आया तो क्या चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, वैल्यू लेके देखो ना. लेट से cos x तुम्हारा हो गया, यहाँ पे अगर मैं cos x वैल्यू देखो नेगेटिव में, स्लाइटली छोटी सी वैल्यू है, कितनी होगी, 0.1, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा. 0.01 कितना हो जाएगा, 0.001 पे कितना होगा, 1000 विद नेगेटिव साइन, है ना, नेगेटिव साइन, मतलब क्या होगा, समझ में तो आ रहा है, कुछ तो समझ में आ रहा है, क्या माइनस 1 पे कितना होगा, इफ cos x इज माइनस 1 तो sec x कितना होगा, माइनस 1 होगा, समझ रहे हो कि नहीं. तो तुम्हें ये वाली बात भी बड़े प्यार से रिलैक्स होकर समझ में आनी चाहिए. ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है बेटा, x इज इक्वल टू 3π/2. भाई cos x कहाँ कहाँ पे जीरो होता है, पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स पे, पाई बाई टू, 3π/2 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे फिर से क्या चलेगा, ऐसे नेगेटिव की तरफ जाएगा, राइट. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक कर्व होती है, तुम पढ़ोगे, पैराबोलिक कर्व बोलते हैं. पैराबोला वन साइड ऐसे ही होता है, दोनों साइड को कंसीडर कर लो तो हाइपरबोला कह सकते हो एक तरीके से, लेकिन वो सेम लाइन पे होना, सेम एक्सिस पे होना चाहिए, इसकी एक्सिस डिफरेंट है इसलिए हाइपरबोला नहीं कह पाएंगे, ठीक है. लेकिन हाँ, हमें ये बात समझ में आती है कि हमारे पास ये जो सीकेंट है, सीकेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है ये हमें दिखता है. ये ब्लैक वाली लाइन जो है ये हमेशा 1 से ऊपर ही है, ये वाली जो ब्लैक लाइन है ये हमेशा -1 से नीचे ही है, इसके बीच में कभी भी नहीं जा रही.
यानी अगर मैं इसके रेंज की बात करूं, sec x के रेंज की बात करूं, तो मैं क्या बोलूंगा, एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन टू प्लस वन, या फिर मैं इसको ऐसा भी तो कह सकता हूं माइनस इंफिनिटी से लेकर के माइनस वन तक सब कुछ, यूनियन वन से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है, ये हमारे पास रेंज हो जाएगा। इसके डोमेन के बारे में क्या कह सकते हैं बच्चों, व्हाट कैन आई से अबाउट द डोमेन ऑफ sec x, इसके डोमेन के बारे में हम क्या कह सकते हैं, सोचो जरा। डोमेन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है जहाँ जहाँ पे अनडिफाइंड है वो सारी वैल्यूज हमारे पास बाहर हो जाएंगी। कहाँ कहाँ पे डिफाइंड अनडिफाइंड है देखो जरा, पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे अनडिफाइंड है, राइट। तो मैं इसका डोमेन क्या बोलूंगा, एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 2n माइनस 1 का ऑड मल्टीपल, ये वाली चीज हमारे पास गायब हो जाएगी जहाँ पे ये n क्या है, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ठीक है बच्चों। पीरियोडिसिटी की बात करेंगे तो ये वाली वैल्यू माइनस, देखो तुम्हारे पास ये क्या थी, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, कितना हो गया ये, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, पाई, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर तुम, तो कितना हो गया पाई, तो ये पूरी चीज जब तुम इंक्लूड करते हो तो जैसा नेचर यहाँ पे है ऐसा ही नेचर आगे भी आता है, ठीक है। तो इसकी पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी पीरियोडिसिटी हमारे पास हो जाएगी 2 पाई, अदरवाइज भी आपको पता है अगर cos x का मेरे पास 2 पाई है तो उसका जो इन्वर्स होगा sec x उसका भी 2 पाई होगा। सिमिलरली हम cosecant का भी देख सकते हैं, आओ इसका एक एनिमेशन देखते हैं, राइट, आई हैव ट्राइड सम एनिमेशंस, लेट्स हैव अ लुक हियर, राइट, दिस वन, हम यहाँ पे इसको देखना चाहते हैं, ठीक है। एनिमेशन तो नहीं है, स्टेशनरी पिक है, बट कोई बात नहीं, हमने इसको अभी रफली ड्रॉ किया था, आप यहाँ ज़्यादा अच्छा डायग्राम देख पा रहे हैं। ये पाई बाई टू पे, राइट, ये कौन सा ग्राफ है, ये जो है डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन कौन सी है तुम्हारे पास, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स है, राइट, ये क्या है, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स है, ध्यान से देखो, कॉस वन से लेके डिक्रीज होता है, राइट, पाई पे कितना होता है, माइनस वन होता है, ठीक है। और ये वाली जो बढ़िया वाली लाइन है ये कौन सी है, वाई इज इक्वल टू सेक एक्स है, ठीक है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि कॉस एक्स एग्जैक्टली किस तरीके से होता है, राइट, ये पाई बाई टू पे किधर की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। पाई बाई टू के आगे जैसे ही बढ़े तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर करके, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, अगर कॉस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव होगा, क्वाइट ऑब्वियस, इसलिए देखो इधर बिल्कुल नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ भागा, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ ग्राफ होता है, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए, ओके। अगेन आई विल पॉज इट हियर टू आस्क इट, सो जैसा ग्राफ तुम्हारे पास सेकंड का होता है बिल्कुल उसका सिमिलर ग्राफ हमारे पास कैसा होता है, कोसेकंड का होता है, क्यों, क्योंकि साइन का ग्राफ अगर तुम देखो तो वो भी जीरो से वन के बीच में, माइनस वन से प्लस वन के बीच में वैरी करता है, ठीक है। कोसाइन भी ऐसा ही होता है, तो आप देखते हैं कि जैसा सीकेंट है जो कि कॉस का रेसिप्रोकल है, वैसे ही हमारे पास कोसेकेंट जो साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है। और देखो मैं समराइज करता हूँ इस पूरे टॉपिक को, राइट, जैसे आप यहाँ पे अगर देखें, अगर आप इनको देखें तो बहुत ईजिली आप इन बातों को ईजिली समराइज कर लेंगे, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, राइट, जीरो से शुरू हुआ, राइट, हमने देखा क्या है भाई, 2 पाई इसका सिस्टम है, 2 पाई हमारे पास ये है इसका पीरियड है, राइट। कॉस एक्स हमने देखा 1 से शुरू हुआ और ये कहाँ तक चला आपके पास, 2 पाई तक गया। टेन एक्स हमने देखा माइनस पाई से लेके प्लस पाई बाई टू तक, माइनस पाई टू से प्लस पाई टू तक हमारा वैरी करता है, ठीक है, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है टेन की, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, राइट। और फिर हमने कोसेकेंट, ये हमने देखा नहीं लेकिन हमने इस बात को समझा कि जैसा नेचर हमारे पास सेक का है वैसा ही नेचर हमारे पास कोसेक का होता है, जस्ट डैट कि ये वैल्यू, ये जो तुम्हारे पास लाइन थी अगर तुम पीछे देखो, राइट, हमने ड्रॉ भी किया है, राइट, हमने इसको ड्रॉ भी किया है, हमारे पास सेक में जो वैल्यू जीरो पे आ रही थी वो वैल्यू कोसेकेंड में कहाँ पे आएगी, वन पे आएगी, ठीक है, बिकॉज साइन वन हमारे पास कितना होता है, साइन वन हमारे पास वन होता है, ठीक है, साइन पाई हमारे, साइन पाई बाई टू हमारे पास वन होता है, तो इसीलिए पाई बाई टू पे ये वैल्यू कितनी रहती है, वन रहती है, ठीक है। तो नेचर एग्जैक्टली वही है, साइन का नेचर इधर को था, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कोसेकेंट की यानी कि कोसेक थीटा के लिए या कोसेक एक्स के लिए आपसे रेंज और डोमेन की बात करूं तो बड़े आसानी से हम यहां पे कुछ बातें कर सकते हैं। कोसेक जिसकी बात हमने अभी पीछे नहीं की है, इसकी रेंज क्या हो जाएगी बताओ, व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ दिस, ऑल राइट, सो वी वर लुकिंग इन टू द रेंज ऑफ कोसेक, तो रेंज इसका कैसा हो जाएगा, जैसा सेक का था वैसे ही हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, All real numbers except minus वन to plus वन, ठीक है। Domain again, इसके domain में जहाँ जहाँ पे ये undefined है, undefined कहाँ होगा, जहाँ तुम्हारे पास sin zero है वहाँ पे cosec क्या हो जाएगा, वन बाई जीरो, यानी कि वहाँ पे वो चीज़ undefined हो जाएगी। So all real numbers, sin कहाँ कहाँ पे zero होता है, n pi पे zero होता है, right?
तो मैं इसमें से बस एन पाई सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो कॉसेक के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, ठीक है, वेयर एन इज व्हाट, एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, कोई सा भी इंटीजर। सेक की बात हम लोग पहले कर चुके हैं, हाँ कॉट की बात हमने नहीं की थी, ये भी देख लो। देखो टैन तुम्हारे पास जीरो से पाई बाई टू में बहुत तेजी से भाग रहा था, कॉट क्या उसका ठीक रेसिप्रोकल है, यानी जब ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा तो तुम्हारे पास कॉट क्या हो रहा होगा, जीरो की तरफ आ रहा होगा। ध्यान से देखो पाई बाई टू पे ये इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा था, पाई बाई टू पे ये कहाँ पे भाग रहा है, जीरो पे भाग रहा है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो मेरे पास यहाँ पे लाइन है, राइट, ये कौन सी लाइन है, वाई एक्सिस, क्या ये वाई एक्सिस इसका एसिम्प्टोट है, द वाई एक्सिस इज एन एसिम्प्टोट ऑफ द फंक्शन वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स, सर्टेनली यस। ये जो मेरे पास लाइन है ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है मेरे पास एक्स इज इक्वल टू पाई, राइट, वाई एक्सिस कौन सी लाइन होती है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये सब हमारे पास क्या है, ये सब हमारे पास टेंजेंट्स हैं, एसिम्प्टोट्स हैं, टेंजेंट्स एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो कॉट एक्स एंड ऑल दैट, ये सारी बातें यहाँ पे हम लोग सम अप करते हैं, एंड आई होप आप इसको प्रॉपरली कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप इसको करेंगे कल की क्लास में, आप मेरे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको इन ग्राफ्स को प्लॉट करना है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव डन टुडे, सो आई एम गिविंग यू जस्ट फाइव क्वेश्चंस, राइट, डू देम। फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ, ओके, एंड यू विल सेंड मी ऑन द ग्रुप, आप ग्रुप पे भेजेंगे ग्राफ प्लॉट करके, क्या क्या बातें आप मेंशन करेंगे इन, मैं सिर्फ पांच फंक्शन लिखूंगा, तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए इसमें, मुझे इसका ग्राफ चाहिए, सुन लो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे इसका ग्राफ चाहिए, मुझे इसकी पीरियोडिसिटी चाहिए, मतलब इसका पीरियड कितना है आपको ये बताना है, मुझे इसका डोमेन चाहिए, राइट, और मुझे इसका रेंज चाहिए, दैट्स ऑल। सिर्फ चार बातें तुम्हें पांच क्वेश्चन के बारे में बतानी है। पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x, 3π नहीं, आई एम सॉरी, इट्स 3x, ओके। ये पांचों क्वेश्चन के सॉल्यूशन मुझे चाहिए होंगे, ध्यान रखना, मैं होमवर्क कल देखूंगा। 3x प्लस पाई बाई सिक्स, संभल के करना, नहीं होगा कोई टेंशन नहीं है, मैं सारे एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, यू नो डैट, ठीक है, तुमसे हो भी जाएंगे तो भी मैं करूंगा, लेकिन हाँ मैं चेक करूंगा, आई नीड द ऑल द स्क्रीन शॉट्स, ड्रॉ करके फोटो क्लिक करके ऑफिशियल ग्रुप पे सेंड करोगे आप सब लोग, जो ऑफिशियल ग्रुप पे नहीं है वो अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप पे करेंगे या मुझे पर्सनली भेज देंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सेकेंड ग्राफ इज वाई इज इक्वल टू 7 टाइम्स या माइनस 7 टाइम्स कॉस ऑफ 2x माइनस पाई बाई 4, ठीक है, माइनस 7 है, ध्यान रखना इस बात का। द थर्ड क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू 10 टाइम्स tan ऑफ 3x एंड द फोर्थ वन y इज इक्वल टू cosec 2x प्लस pi by 3 एंड द फाइनल क्वेश्चन इज y is equal to, let's talk about cot, right? Because जिसकी बात हमने थोड़ी कम की है वो कल हमें ज़रूर से करनी चाहिए, सो cosec और cot की बात हमने कम की है तो हम कल ही क्लास में ज़रूर से करेंगे इसी क्वेश्चन के बहाने। cot के आगे लगा लो एक माइनस साइन, ठीक है, यहाँ जैसे माइनस 7 था यहाँ सिर्फ माइनस है, ओके, cot of 3x, that's all, minus cot of 3x. So there you have just 5 questions and I'll be looking for 4 answers in every question. The graph, the periodicity, the domain and the range. So that will be all, children. I hope all of you have understood the things and it would benefit you in a number of ways. Let's stop it here and let's meet tomorrow. Thank you. Wish you all the best.